बेलगाम के मुतल स्थित अहिंसा क्षेत्र पर 13 मार्च से पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 17 मार्च को कल्पद्रुम पूजा के साथ इसका समापन किया गया। इस दौरान अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। 13 मार्च से 16 मार्च के मध्य कर्नाटक के बेलगाम में अहिंसा तीर्थ पर पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। स्थानीय जैन समाज ने सहभागिता करते हुए श्री कल्पद्रुम विधान की पूजा की। विराजमान संतों की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भक्तों ने श्रीफल भेंट किया। 17 मार्च को मोक्ष कल्याणक के साथ महोत्सव का समापन हुआ। ओम ऋणमो आयरणम आचार्य श्री वनुरायंटो सच्चिदानंद मुनि महाराज चरणकमलेभ्यो सहस्रं सहितेभ्यो जलाधिअर्घ्यं निरोपामिते स्वाहा। महोत्सव की समापन बेला में भगवान बाहुबली की प्रतिमा पर श्री 1008 कलशों से मस्तकाभिषेक महोत्सव किया गया। विशेष मंत्रों के मध्य इस अनमोल पल को निहारने के लिए विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रद्धालु भी पंचामृत अभिषेक के साक्षी बने। मस्तकाभिषेक काम हुआ, बहुत लोग आया था और बहुत सुंदर मूर्ति को बहुत अभिषेक सभी डिफरेंट मिल्क गंदा और पानी लाइक अनदर 14-15 टाइप दिस अभिषेक वी हैव डन। इस अवसर पर महोत्सव के पात्रों एवं भट्टारक स्वामी जी का स्वागत सम्मान किया गया। जैन फोकस के लिए बेलगाम कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट।